नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बेटियों को समर्पित हमारे इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मीना शर्मा। हाथों की लकीरें अगर किस्मत बनाती हैं, तो हाथों की मेहनत उन लकीरों को बदल भी सकती है। परियों की कहानी सिर्फ कल्पना की उड़ान ही नहीं, इस दुनिया में भी परियां कल्पना बनकर दूसरों को मुस्कान दे सकती है। जी हाँ, कल्पना सरोज उन्हीं परियों में से एक है जिनकी मेहनत बताती है कि सिंड्रेला की किस्मत सिर्फ राजकुमार ही नहीं बदलता, कल्पना जैसी बेटियां खुद किस्मत बदलने का मादा रखती हैं। अम्मा जी और मेरे घर के परिवार के जो लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो कहते थे कि नहीं, लड़कियों को पढ़ाना माने क्या करना है, वैसे भी चूल्हा चक्की के सिवा करेगी क्या। और लड़कियों को घर में रखना इसका मतलब ये है कि जहर की पुड़ियों को घर में रखने के बराबर है। मेरे मामा की सोच तो इतनी आगे जाके थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, बस अभी 12 साल की हो रही भाई लड़की, तुमने भी बहुत दिन तक रखा है, मतलब हम तो चाहते थे कि 10-11 साल में हो जाना चाहिए था। तो मेरे पिताजी के ऊपर उन्होंने काफी जोर डाल के 12 साल में मेरी शादी करवा दी। लेकिन इस दुल्हन के लिए ससुराल वैसा नहीं था जैसा सिंड्रेला को राजकुमार ने दिया था। कल्पना सरोज के पिता ने मुंबई का लड़का देखकर शादी की, लेकिन मुंबई की झुग्गी में 12 साल की बच्ची पर अत्याचार शुरू हो गए। उम्र में 10 साल बड़े पति और ससुराल के लोगों ने जुल्म ढहाए। शादी के 6 महीने बाद ही कल्पना ने वापस पिता के घर जाने का फैसला किया। 1970 के उस दौर में एक दलित लड़की के लिए यह फैसला स्वाभाविक नहीं था, लेकिन हवलदार पिता ने बेटी का साथ दिया तो लोगों ने ताने। लड़की अगर बहही गई और वो ससुराल से अगर वापस आई तो उसको अच्छी नजर से नहीं देखते थे हमारे समाज में, किसी की कोई गलतियां रही होगी, इसी ने कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से ये रिटर्न आई, इस तरह से सोच थी समाज की। तो उन आंखों को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी कि वो मुझ में ही कुछ गलतियां ढूंढते थे कि मैंने क्या गलत किया जिसकी वजह से ससुराल छोड़ना पड़ा। ऐसे में 14 साल की बच्ची ने अकोला छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया। एक कपड़े के कारखाने में धागा काटने का काम किया। अकोला में पिता की नौकरी चली गई और बीमार बहन पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा सकी। मेरी बहन बीमार हो गई, उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं पैसे कैसे अरेंज नहीं कर पाती थी, क्योंकि जितना पगार मेरा था उसमें कैसे भी हम लोग खा पी लेते थे, ठीक है, तो कहाँ से मैं ट्रीटमेंट करूँगी, क्या करूँगी। तो इस बीच वो मेरी बहन मर गई, तब मैंने ये सोचा कि अब पैसे का होना बहुत ज़रूरी है, अगर पैसा नहीं रहेगा तो मैं नहीं चाहूँगी कि मेरे फैमिली में फिर किसी के साथ में इस तरह से हो। इसी बीच एक लिटिगेशन की एक ज़मीन मेरे पास आ गई, प्लॉट था कल्याण के अंदर, और इस तरह से मैं कंस्ट्रक्शन लाइन में आ गई। कमानी ब्रदर्स जैसी डूबती कंपनी को खरीदकर नए मुकाम पर पहुंचाने वाली ये उद्यमी अब 3,000 करोड़ की मालिक है तो महिला बैंक की डायरेक्टर। नामी कारोबारियों के बीच बैठने वाली कल्पना की कंपनी के नाम पर मुंबई की 2 सड़कें बनी हैं। इंडियन एयरलाइंस में पायलट बेटे के लिए अब वे नई एयरलाइन लाने की तैयारी कर रही है, तो लंदन में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही बेटी के लिए 5-स्टार होटल बनाने का सपना। महलों में रहकर भी जमीन से जुड़ी ये बेटी देश का स्वाभिमान है, हमें इन पर अभिमान है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे कल्पना सरोज ने अपना ये सफर पूरा किया और मुकाम हासिल किया, तो जरूर देखिए हमारे साथ न्यूज वर्ल्ड इंडिया और ईटीवी के सभी चैनल्स पर एक साथ शनिवार रात 9:30 बजे। आपके बरस मोहित बिटिया ही दीजिए।